In this video, we will talk about how to fix Windows 11 green screen error. So let's begin. अगर आप interested हैं Windows 11 से related tutorial और update की video देखने के लिए, तो मेरे channel को subscribe करें. Subscribe करने के लिए red color का subscribe button को click करना है और साथ में bell icon को click करना है और all पे set कर देना है. Windows 11 Windows operating system lineup का फेमस और लेटेस्ट वर्जन है, जिससे कि बहुत सारे लोग इसको यूज़ करना चाहते हैं और अभी ये डेवलपर मोड में है. बहुत सारे डेवलपर हैं जो कि इसको अपने पीसी पे इंस्टॉल कर लिया है और इसको चेक कर रहे हैं. बहुत सारे यूज़र हैं जिनको जब इन्होंने इंस्टॉल किया तो उन्हें बहुत सारे बग्स और एरर देखने को मिली, जिसमें कि स्पेशली इन फेमस ग्रीन स्क्रीन ऑफ डेथ, जिसको GSOD भी कहते हैं, वो भी देखने को मिला है. अगर आपको GSOD का एरर देखने को मिला है जब आप विंडोज़ 11 इनसाइडर प्रीव्यू को अपने पीसी में डाउनलोड और इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम इस एरर को बाईपास कर सकते हैं और इससे निजात पा सकते हैं विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करने में. तो देखते हैं How you can get rid of green screen in Windows 11. तो सबसे पहले बात करेंगे What does the green screen mean? कि green screen का मतलब क्या है. अगर green screen of death, जिसको हम GSOD भी कहते हैं, इसका कोई डिफरेंट नहीं है, जो कि दूसरा इसका एरर है विंडोज़ का, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, जिसको हम BSOD भी कहते हैं. यहाँ पर आपको दोनों में जो फैटल एरर है, जिससे कि आपका जो PC है प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए कैपेबल नहीं होता है. ग्रीन स्क्रीन तभी अपीयर होता है जब आप इनसाइडर प्रीव्यू बिल्ड को यूज़ कर रहे होते हैं. इसमें सेम एरर कोड होता है जैसा कि ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ में होता है. अब बात करेंगे कि विंडोज़ 11 ग्रीन स्क्रीन फिक्सेस की. इस वीडियो में बात करेंगे 8 वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम. तो देखते हैं कि कौन कौन से वो वेज हैं जिससे आप इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो. सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट है अपडेट योर वीडियो कार्ड ड्राइवर. आउटडेटेड वीडियो ड्राइवर भी आपको ग्रीन स्क्रीन ऑफ डेथ का एरर शो कर सकता है. इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप आपके पीसी में जो भी ग्राफिक कार्ड डला हुआ है उसका जो ड्राइवर है उसको अप टू डेट रखें. तो उसे अप टू डेट करने के लिए आपको डिवाइस मैनेजर है उसमें जाके आपको जो ड्राइवर है उसको अपडेट करना होगा, या आपको ऑफिशियली वेबसाइट जो कि जैसे कि NVIDIA है, तो NVIDIA खुद आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, फिर कार्ड के ड्राइवर को अपडेट कर सकते हो. मेरे PC में NVIDIA का ग्राफिक कार्ड डला हुआ है, तो उसका ऐप इंस्टॉल्ड है, तो देख सकते हो NVIDIA सेटिंग यहाँ पे नोटिफिकेशन में. यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो NVIDIA GeForce एक्सपीरियंस यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे आप अपने ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर को ड्राइवर में जाएंगे और यहाँ पे चेक फॉर अपडेट, इससे कि आपका जो NVIDIA का ग्राफिक कार्ड है उसका ड्राइवर अपडेट हो जाएगा. और दूसरे तरीके से जाने के लिए आपको जाना है यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में. इसके लिए स्टार्ट मेनू पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे डिवाइस मैनेजर में. डिवाइस मैनेजर के बाद यहाँ पे जाएंगे डिस्प्ले अडेप्टर में और यहाँ पे जो NVIDIA का जो आपका कार्ड होगा उस पर राइट क्लिक करके अपडेट ड्राइवर कर देंगे और सर्च ऑटोमेटिकली, इससे आपका जो ड्राइवर है वो अपडेट हो जाएगा. अगर आप अपना PC नॉर्मल मोड में यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप सेव मोड में भी आप अपने ड्राइवर को अपडेट कर सकते हो. तो सेव मोड में जाने के लिए आपको रन बॉक्स खोलना पड़ेगा, यहाँ पे डालना होगा msconfig. उसके बाद जाना है बूट में और सेव मोड, इस पर क्लिक करके मिनिमल पे होकर ओके कर देंगे, जिससे कि आप सेव मोड में चले जाएंगे और वहाँ पे जाके आप अपने ड्राइवर को अपडेट कर लोगे. फिक्स नंबर सेकंड है रिमूव अनवांटेड एप्लीकेशन. बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं जो कि आपको आपके सिस्टम में ग्रीन स्क्रीन ऑफ डेथ का कारण बन सकती हैं, तो आपको उन सभी एप्लीकेशनों को डिलीट कर देना है जिनको आप यूज़ नहीं करते या वो किसी काम की नहीं है.
इनको डिलीट करने के लिए आपको जाना होगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद जाना होगा ऐप में, यहाँ पे ऐप एंड फीचर में जाना है और यहाँ पे वन बाय वन चेक करना है कि कौन सी ऐप आपको यूज़फुल है। देख सकते हैं एक एक करके आपको चेक कर लेना है। यहाँ से आप अगर यहाँ पे कोई ऐप नहीं दिख रही है तो आप यहाँ पे सर्च में जाके कंट्रोल पैनल में जाएं। कंट्रोल पैनल में जाके बाद प्रोग्राम एंड फीचर में जाना है। प्रोग्राम एंड फीचर में जाने के बाद यहाँ पे आप देख लेना है कि आपको कौन सी ऐप आपके लिए यूज़फुल है और कौन सी ऐप नहीं है। थर्ड है डिसकनेक्ट एक्सटर्नल पेरिफेरल। आपके पीसी में जो भी एक्सटर्नल पेरिफेरल है जैसे कि माउस, कीबोर्ड, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, आपका माइक, स्पीकर एक्सटर्नल, तो अगर जब ये एरर देखने को मिले तो इन सबको डिसकनेक्ट कर दें। फिर चेक करें कि आपका जो पीसी है वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अगर वो एरर हट जाता है तो आपका कोई जो पेरिफेरल है वो इस एरर को क्रिएट कर रहा है, इसलिए इसको चेक कर सकते हो कि एक्सटर्नल जो भी पेरिफेरल है उनको डिसकनेक्ट कर दें। फोर्थ फिक्सेस है अनइंस्टॉल्ड एंटीवायरस एंड फायरवॉल सॉफ्टवेयर। बहुत सारे थर्ड पार्टी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं जो इस एरर को क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए आपको ज़रूरी हो जाता है अगर आपने हाल ही में कोई थर्ड पार्टी एंटीवायरस इंस्टॉल किया है या फायरवॉल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है तो उसको अनइंस्टॉल्ड कर दें, जिससे कि पता पड़ जाए कि जो एरर है वो आपका जो एंटीवायरस है वो क्रिएट ना कर रहा हो। तो इसके लिए हमें चेक करने के लिए, इसे अनइंस्टॉल करने के लिए सेटिंग में जाना है, ऐप में जाना है, ऐप एंड फीचर में जाना है और यहाँ पे जो सॉर्ट वाई है इसको इंस्टॉल डेट कर देंगे, जिससे कि हमारा जो भी लेटेस्ट अपडेट हुआ होगा यहाँ से पता पड़ जाएगा और इसको हम आसानी से अनइंस्टॉल कर देंगे। सॉल्यूशन नंबर 5 टर्न ऑफ हार्डवेयर एक्सेलरेशन। बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके हार्डवेयर एक्सेलरेशन की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, जिससे कि होता क्या है कि आपके जो जो सॉफ्टवेयर है वो उसकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट थोड़ा देखने को मिलता है क्योंकि वो आपके हार्डवेयर के को यूज़ करने लगता है, तो जिससे कि आपका जो ग्रीन स्क्रीन ऑफ एरर है वो भी इसी कारण हो जाता है। इसलिए आपको ज़रूरी है कि उस टर्न हार्डवेयर एक्सेलरेशन को टर्न ऑफ करना। गूगल क्रोम है उसमें भी हार्डवेयर एक्सेलरेशन होता है, जैसे कि इसमें जाएंगे सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे हार्डवेयर एक्सेलरेशन व्हेन अवेलेबल, यहाँ पे ऑफ है तो यहाँ से ऑन या ऑफ आप कर सकते हो। अगर आपको एरर देखने को मिला है तो वहाँ पे चेक करना है कि ये हार्डवेयर एक्सेलरेशन यूज़ कर रहा है या नहीं, यहाँ से ऑफ कर देना है और अपने पीसी को रिस्टार्ट करके चेक करना है कि आपका जो जो एरर है वो देखने को मिल रहा है या नहीं। सॉल्यूशन नंबर 6 पॉज विंडोज अपडेट सर्विस। अगर आपको GSOD ग्रीन स्क्रीन ऑफ डेथ का एरर देखने को मिलता है तो आपको आपके पीसी में विंडोज़ अपडेट सर्विस है पॉज कर देना है, क्योंकि विंडोज़ अपडेट सर्विस भी इस एरर को क्रिएट करने के लिए ज़िम्मेदार होती है। इस वीडियो में मैं विंडो पावर सेल के जरिए से विंडोज़ अपडेट सर्विस को पॉज करेंगे, तो उसके लिए हमें जाना होगा सर्च में और यहाँ पर डालना है पावर सेल। पावर सेल और यहाँ पर रन एस एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू उसको रन कर देना है। यस कर देंगे। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे डालना है कमांड नेट स्पेस स्टॉप स्पेस WUAUSERV, ये टाइप करने के बाद और एंटर कर देना है, जिससे कि आपके जो विंडोज़ अपडेट सर्विस है वो स्टॉप हो जाएंगी और आपको अपने पीसी को रिस्टार्ट कर देना है और चेक करना है कि जो GSOD का एरर था वो आपको
दोबारा फेस करने को मिल रहा है या नहीं। सॉल्यूशन नंबर 7, रिपेयर विद ट्रबल शूटर। अगर आपके विंडोज़ 11 में लॉगिन नहीं कर पा रहे हो तो एक दूसरा वे है जिसमें जब आप अपने पीसी को स्टार्ट करते हो तो वहाँ पर स्टार्टअप रिपेयर होता है, तो उस प्रोग्राम में जाकर वहाँ पे क्लिक करना है रिपेयर योर कंप्यूटर पे, और वहाँ पे आपको मिलेगा ट्रबल शूट। तो वहाँ पे क्लिक करके आप ट्रबल शूट कर सकते हो और देख सकते हो किस एरर के कारण आपको GSOD का इश्यू देखने को मिल रहा है। सॉल्यूशन नंबर 8 है, री इंस्टॉल विंडोज 10 व्हेन इंस्टॉलिंग विंडोज़ 11। अगर आपको ग्रीन स्क्रीन का एरर विंडोज़ 10 से विंडोज़ 11 में अपग्रेड करते टाइम दिख रहा है तो आपको आपका जो विंडोज़ 10 है उसको रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको विंडोज़ 11 का जो इनसाइडर प्रीव्यू है वो अपग्रेड करना है। विंडोज़ 10 की फ्रेश कॉपी पे इंस्टॉल करे हुए तो आपको ये एरर देखने को शायद ना मिले। तो जो फ्रेश कॉपी है इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना है विंडोज़ प्लस आई करके, जिसमें से हम सेटिंग में पहुंच जाएंगे, और यहाँ पे जाना है विंडोज़ अपडेट में, यहाँ जाना है एडवांस ऑप्शन, और रीसेट दिस पीसी, जिससे कि आपका जो OS है वो फ्रेश इंस्टॉल होगा। और यहाँ पे रिमूव एवरीथिंग करके आएगा रीसेट दिस पीसी के बाद, और उसके बाद आप माइक्रोसॉफ्ट इनसाइडर प्रीव्यू अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इन 8 तरीक़ों से आप ग्रीन स्क्रीन ऑफ एरर, जिसको हम GSOD ही कहते हैं, ग्रीन स्क्रीन ऑफ डेथ, उस एरर को बाईपास कर सकते हो अपने पीसी से। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें विंडोज 10 से रिलेटेड ट्यूटोरियल और टिप्स एंड ट्रिक जानने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।